तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएमआई का प्रोग्रामिंग, और वीवीएमआई का प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते थे। तो प्रोजेक्ट हमारा है कि हमें टोटल 365 शीट बनाने हैं, 365 शीट बनाने हैं, लेकिन उसको सेपरेट करना है 12 फाइलों में। साल के 12 महीने हैं, उसके 12 फाइलों में, और हर फाइल में उतने ही शीट्स होंगे जितने उस महीने के दिन होते हैं। या मैं इसे कहूं, मुझे 12 फाइलें बनानी है और 12 फाइल में जो शीट्स होंगे उसके महीने के हिसाब से, राइट सर? मैंने बनाया है वैसे। हाँ, आप मुझे मिला था मेल, लेकिन आप लोगों ने उसमें डायनेमिक नहीं किया हुआ है, मुझे पता है उसमें आप लोग जानकारी नहीं थी। चलिए मैं बताता हूँ कैसे मैं बनाऊंगा। आप लोगों को तो मैंने देख लिया, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ चीज इस चीज को जानिए। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि किस तरह से मैं और भी चीजों का इस्तेमाल करता हूँ मैक्रो में, राइट? तो मुझे इसमें 12 फाइलें बनानी है, राइट? तो आप लोगों ने कोड लिखा था कि वर्क बुक्स डॉट एड सेव डॉट सेव। यहाँ पे आपने जिस लोकेशन में आप सेव करना है उसका पाथ आपने दे दिया था, राइट? मैं ई ड्राइव में 2020 के फोल्डर खोल लेता हूँ, ठीक है? 2020 में मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, और इसकी बात है। सुजीत जी, एक सेकंड होल्ड करना बस, एक सेकंड। तो ये हमारा, हेलो विजय जी। हाँ हेलो। हाँ, तो ये जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से आपने सेव किया, और इस तरह से आपने देखा कि आपने 12 बार कोड को लिखा हुआ है। हर कोड में आपका 2 इस तरह से हो रहा था, 3 इस तरह से आपने किया था। यस। लेकिन ये पूरा मैनुअल कहलाएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं कहलाएगा। तो हम करेंगे इसको लूप में डाल देंगे। उसको लूप में डालेगा कि फोर आई इक्वल टू, चले 1 2। अब लोग ऐसा क्यों किया, मुझे इस कोड को 12 बार रन करना है, जो कोड है उसको 12 बार रन करना है, राइट? तो हमारे पास एक फोर लूप होता है जो कि जिसके अंदर में जितने भी कोड आप डालते हैं उस कोड को वो उतना बार रन करता है जितना बार आप दोगे। जैसे मैंने बोला 1 2 बार में 1 से लेके 12 टाइम ये इस कोड को रन करेगा, समझे? तो आप कोड को 12 बार कॉपी पेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपने इस तरह से लिखा था। एक बार सुजीत, एक बार प्लीज ये दोबारा से डिफाइन कर दीजिए। हाँ, जैसे कि पहले यहाँ पे लूप, अभी जैसे आपको मैं दोबारा बता, चलिए ये कोड है, मुझे अब इस कोड को मुझे 12 बार रन करना है, राइट? एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो इसको 12 बार कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर 1 2 3 चेंज करेंगे, उससे अच्छा है कि इसको हम लूप में डालते हैं। हमारे पास ये में, हाँ एक ये मेरे माइंड में था, लेकिन क्योंकि हमें लूप पढ़ाया नहीं गया था तो उसने 1 2। नेक्स्ट आई, ठीक है? तो ये आपका इसको 12 बार चलेगा, लेकिन इस कोड को 12 बार चलने से क्या फायदा, क्योंकि दूसरे बार एरर दे देगा, क्योंकि एक फोल्डर में एक नाम के 2 फाइल तो हो नहीं सकते। बिल्कुल कदा गई,
क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हम नाम चेंज कर देते हैं ना, 2 हो जाए 3 हो जाए, ऐसा इसमें। तो इसके लिए ये जो हमने आई लिया है, ये आई आपका वेरिएबल है, आई के वेरिएबल है। जैसे एक काउंटर समझ लीजिए इसको, कि काउंटर है, एक काउंट करता है कि 4 कितना बार चल चुका है, और एक ठीक है की तरह है। हम अगर इसको रन करके देखेंगे आप, मैं इसको स्टेप इनपुट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ वर्ग में स्टेप इनपुट होता है, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी आई क्या 0 है ना सर, अगर मैं इसको स्टेप इनपुट किया तो आप देख रहे हैं आई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा बार रन करेगा, दूसरा बार दूसरा बार जब रन होगा तो आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया। ऐसे 3 4 5 चलता रहेगा। तो मैंने क्या किया कि इस आई को फाइल एज ए फाइल नेम यूज कर लिया। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली हमने इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 1 ही है ना, तो पाथ इसको मिल गया और इसको एक्सटेंशन मिलेगा, दोनों मिलके जो ज्वाइन होके होगा तो पूरा का पूरा पाथ की तरह होगा, जैसे ये पाथ था आपका, बिल्कुल। और ये हर बार चेंज होगा, राइट। तो ये इससे क्या हुआ कि आपकी 12 फाइलें बननी शुरू हो गई, राइट। अब मुझे उस उन फाइलों में सीड्स को ऐड करना। तो यहां पे आपको मैंने बताया था कि सीड्स डॉट एड, और यहां पे आपको काउंट होता है, तो काउंट में आप 31 ले लेंगे। बट यहां भी एक प्रॉब्लम आ कि जरूरी थोड़ी कि 31 पहले से भी सीड इंसर्ट होंगे और 31 हर महीने में होते हैं। तो हमारे पास एक्सेल टुडे का फॉर्मूला होता है, टुडे का फॉर्मूला। अब यहां पे आप एक्सेल रेफरेंस की पाइए, पहले सोचिए कि एक्सेल में कैसे करेंगे, फिर वीबीए में उसको नकल करेंगे, ओके। और उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, उससे डेज निकल जाएंगे, डेट का लास्ट डेट निकाल देता है, हर महीने की डेट का, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये हो गया, और मुझे मेरे पास एक डे का फॉर्मूला है जो कि इसमें से सिर्फ 29 को नहीं दी, क्वेश्चन नहीं दिया आपने रिकॉर्डिंग का। एक मिनट, पहले भी चल रहा है विजय, रिकॉर्ड चल रही है, नहीं चल रहा है अभी, आपने सिस्टम में इनके से पहले था तो सेल फोन से था। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो टुडे का डेट से हम डेट निकाल लिए, बट यहाँ पे डेट कैसे बना, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डी करेंगे, डी इक्वल टू डे, ठीक है। अब यहाँ पे तो अब डेट देखिए, डेट इसको सपोर्ट कर रहा है तो ब्रैकेट ओपन करते एक्सप्रेशन आ गया, बट ई ओ मंथ जो है बीवी को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, नीचे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। तो जो फॉर्मूला आपका वीवीए का है और एक्सेल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सेल का सॉरी एक्सेल का फॉर्मूला है वीवीए में सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको हम एप्लीकेशन से वर्कशीट फंक्शन लिस्ट से फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल करेंगे, कैसे करेंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, ठीक है। और यहाँ पे डेट में हम लिखेंगे यहाँ पे 1- यहाँ पे आपको पहले आई देना होगा क्योंकि MMDDY है ना, इसलिए आया कि नहीं सर, समझ में आया कि नहीं है,
ये इस पे आए तो आपका ये हो गया जो ऊपर वेरिएबल है वहां से वैल्यू उठा लेगा ऐसा, और उसके बाद आपने एम्फेसेट के बाद ये हाइफन वन जो है ये हाइफन वन अब आई वन है तो वन मिला तो वन डैश वन डैश 2020 इस तरह से डेट बनेगा ना। अब ये वन के बाद ये टू हो जाएगा टू डैश थ्री हो जाएगा थ्री डैश तो हर महीने का फर्स्ट बन जाएगा। लेकिन ऊपर जो ये आई की वैल्यू तो सिर्फ 12 तक है, अगर मेरे पास 30 महीने में 30 दिन होते हैं तो सर ये महीना ना है महीना अच्छा महीने का नहीं अच्छा अभी महीने की शीट बना रहे हैं ठीक है आप एक और हम पता कर रहे हैं कि महीने में कितने दिन होते हैं हम पता करेंगे कि जिस जो फाइल ऐड हुई है उस फाइल उस महीने में कितने दिन होता है तो हमने आई को ऐसे मंथ मान लिया है और उसको हमने डिफाइन करके एक डेट बना लिया और ये डेट दे दिया हमने ईओ मंथ को दे दिया ईओ मंथ इस महीने की लास्ट डेट निकाल देगा लास्ट डेट से जो है आपका डे क्या करेगा उसमें से डे जैसे कि 29 है काउंट निकाल देगा पूरे महीने कितना काउंट है पूरे महीने कितने तो यहां पे मैं डी लिख दूंगा तो जितने महीने होंगे उतने सीट ऐड कर देगा। अच्छा ठीक है ये एक बार जो सिंटैक्स आपने लिखा है sheets dot add उसके बाद before after छोड़ के मैं डायरेक्ट काउंट कर दिया ना काउंट sheet add कर दिया हमें मैंने क्या किया ये नहीं किया है कि sheet add 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 करके मैंने 31 बार नहीं किया है हमें पता है हमें कई सारे sheet add कर सकते हैं तो इसको अलग अलग क्यों लिखे एक ही बार लिख दिया मैंने इतने sheet add कर लो सही है प्रॉब्लम यह है कि अब यहाँ पे sheet ज्यादा होंगे क्यों क्योंकि उसके अंदर में पहले से अगर फाइल क्रिएट करते हैं तो पहले से एक या तीन सीट तो होता ही है ना सर तो मैं तो उसको भी काउंट काउंट करूंगा। हाँ मैंने बोला कि डी माइनस शीट्स डॉट काउंट कि जितने सीट है उतने माइनस करके ऐड करो ओके करेक्ट 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 सीट ऐड होंगे अब हर सीट का नाम उसके डेट में उसके सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 इस तरह से होना चाहिए ठीक है क्लियर इस तरह से लिखेंगे कि सीट्स आई आई नहीं मतलब 1 1 डॉट नेम इक्वल टू इस तरह से लिखना अब यहां भी प्रॉब्लम आ गई एग्जैक्टली यहां पर भी बनाना पड़ेगा 28 बार लिखना पड़ेगा डैश होगा तो जब हम फाइल के लिए लूप लगा सकते हैं तो सीट रिनेम करने के लिए लूप लगा देता हूं बिल्कुल तो यहां पे 4 अब यहां पे आई नहीं लेंगे क्योंकि आई ऑलरेडी ले चुके हैं हम जे लेंगे एन ले लेंगे हम अच्छा जे ले लेंगे कोई दिक्कत यहां पे 1 2 अब कितना 31 कितना नहीं 1 2 डी डी हां एग्जैक्टली हां और सी डॉट यहां पे जे और यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट जे नहीं करेंगे अपन नेक्स्ट जे नेक्स्ट जे करेंगे ठीक है और उसके बाद करेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज क्लोज क्यों किया हमने नहीं करेंगे तो सर 12 फाइल ओपन हो जाएगी ना इसलिए हमने यहाँ पे फाइल ओपन हुआ तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया क्लोज में हमने ट्रू डाल दिया ताकि सेव हो ठीक है ओपन ना हो खाली हाँ मतलब कि यार ये क्या करेगा आप देखिए पूरी तरह सिंटैक्स को समझिए सबसे पहले शीट को ऐड करेगा सेव करेगा ठीक है इस नाम से और नाम जो है आई के अकॉर्डिंग चलेगा 1.xlsx राइट ठीक है फिर क्या करेगा कि इस आई को रेफरेंस में लेके पता करेगा कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं ठीक है डे कितने इस जो महीने का फाइल ओपन हुआ है उस महीने में नंबर ऑफ डेज कितने हैं तो डे भी डी पता चलेगा फिर वो क्या करेगा वो सीट ऐड करेगा लेकिन सीट को देख लेगा कि ओपन करते समय डिफॉल्ट सीट कितने थे उतने माइनस उनके बाद हां सीट ऐड कर देगा कितना सीट ऐड हो गया अब जितने सीट जितने महीने में दिन है उतना ही सीट है ये हमको पता चल गया अब उतने फिर लूप चलेगा और एक एक सीट को उसके सीक्वेंस नंबर से नेम देगा 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे जो सीट 1 किया है इसके जगह पे हम जे कर देंगे
ओके फिर फाइल को क्लोज करेगा। अब इसको वन बाय वन आप देखिए स्टेप इन्फो में, राइट। ए वन, अब देखिए उसने वन नाम का फाइल क्रिएट कर दिया और फाइल आपका ओपन भी है वन दिखा। इसमें आई वन है तो इसमें एक बार और इन्फो चलाता हूं मैं। देखिए डी कितना है, डी 31 है क्योंकि जनवरी में 31 दिन है, 31 आ गया ना सर। अब उतने सीट ऐड होगा, चलता रहेगा अपना। हाँ अब यहाँ पे देखिए उतने ही सीट ऐड हुआ, दिख गया। अब क्या करेगा, वन बाय वन सीट का नेम करेगा। ये देखिए जो ये है तो वन सीट को एक्टिवेट किया, उसका नाम वन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीट का नाम वन पड़ गया। और इसी तरह से ए 31 बार चलेगा, ठीक है। अब अगली बार सीट आई जे टू है, फोर एक बार चलेगा तो जे इसके अंदर 31 बार, 28 बार, 29 बार ऐसे चलेगा, ठीक है। ठीक है, विदाउट सर देखिए टू हो गया, टू आ गया नाम। हाँ ठीक है। इसमें सुजीत जी, हाँ, जो फाइल बन रही है ये ठीक है, डे वाइज तो उनका नाम डाल रहा है 1 2 3, बट मंथ वाइज उनका नाम कहाँ डाल रहा है कि जैन की, जैन की फाइल है, फैब की फाइल है, तो यहाँ मंथ को इसने वन ले लिया है। नहीं बाहर, ये तो ठीक है, कहाँ मतलब फोल्डर के अंदर। हाँ फोल्डर, फोल्डर के अंदर हमारी 12 फाइल बनेगी। हाँ देख ये आपका आगे ना वन, अच्छा ऐसे ले रही है। अगर मुझे जनवरी फरवरी डालना हो तो, हाँ तो जनवरी फरवरी डालना हो तो आपको एक फॉर्मूला लगाना, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि मंथ नेम कर देता हूँ इक्वल टू आता है आपका मंथ नेम का फॉर्मूला। आप आई सिक्वेंस नंबर डाले और फिर इसमें ट्रू कर दे, ट्रू कर देंगे तो जैन शॉर्ट में आएगा, जे जैन एफ ई एफ एफ, और फॉल्स करेंगे तो आपका कंप्लीट जनवरी फरवरी लिखा हुआ आएगा। ओके ठीक है, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। एमएन यहाँ आ गया। अब जो है जहां फाइल का नेम ले रहे हैं उसके जगह पे आप एन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर ये ऊपर जो आई चल रहा है आई 1 to 12, फिर ये खाली जो आपका जो डी वाला हमने जो सेंटेंस लिखा था डी इज इक्वल टू डे, सिर्फ यहीं पे रन होगा। हाँ यहाँ पर तो रन होगा ना। हाँ यहाँ यूज होगा, लेकिन आखिर ये तो इसका काम है, इसका काम ये नहीं है कि इसको सप्लाई करना, इसका काम ये है नेक्स्ट को बताना कि कितना बार चल चुका है। हाँ ठीक है, हाँ जो एमएन के अंदर आई एम में लिखा हुआ है 12 तक 12 बार चलेगा। हाँ जब तक है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब एक कोड मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, अब इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप इसमें कुछ और नई चीज कीजिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, मतलब ओके तो रेफरेंस में लेके मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐसे मैक्रो बनाए हैं, जैसे आप मैथ की फॉर्मूला पढ़ते थे ना, तो आप फॉर्मूला पढ़ लिया फिर उसकी मॉडिफिकेशन करके कुछ और नए चीज बनाते थे। मोटिवेशन तो कर्म करना चाहें सुजीत जी, फिर यह कि अगर हमें कुछ फिर फंक्शन नहीं पता होंगे, हमें जितना आपने पढ़ा है उसी के अंदर ही सोच सकते हैं उसकी। हाँ उसके अंदर सोचिए या फिर रिसर्च कीजिए, आप रिसर्च भी तो कर सकते हैं। क्या 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 करना है एग्जैक्टली वो पता रहना चाहिए उसके लिए। सर ये अभी आप फ्री माइंड है, कोई कुछ नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। ओके ठीक है ना, इसमें आपको करूंगा तो फिर आप उसी दायरे तक ही सोचेंगे, अभी आप फ्री है कुछ भी। मतलब कि एक एक एग्जांपल आपने समझा ना, इसमें आज आपने लूप को समझा, राइट। ठीक है, आपने दो इसे दो चीज समझे, पहले आपने इसमें लूप को समझा, लूप समझ गए। लूप के अब लूप के लिए कुछ और काम जो आप एक एक करते थे लूप में डालकर कराने की कोशिश कीजिए, लूप में और एग्जांपल देखिए। दूसरा चीज आपने यहां पे समझा कि एक्सेल के फॉर्मूले को कैसे कॉल करें, तो मैंने यो मंथ लगाया है, अब वी लुक अप इज अब सब मी काउंटिंग ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या
अच्छा ये पता लग सकता कि हमें ये वीबी के अंदर एक्सेल के कौन-कौन से फंक्शन या फॉर्मूले कॉल मतलब ये सर नहीं बता रहा कि आप फॉर्मूले पहले टाइप करके देखें अगर नीचे एक फंक्शन आ गया तो सपोर्ट करता है अच्छा नहीं आया नहीं तो नहीं सपोर्ट करता ओके तो उसके लिए हमें application.work फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करना पड़ेगा हर बार ये चीज समझ गया आप बाकी चीज तो हमने बताया हुआ है सीट कैसे ऑर्डर करना है क्लोज कैसे करना है ये तो सब मैं समझाया हुआ हूँ इसमें आपने दो चीज पहली चीज समझा कि आपने लूप कैसे यूज करते हैं और दूसरी चीज समझा एक्सेल के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं ये दोनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी फॉर्मूले जो है जैसे कि एम एन मंथ ने और ये फॉर्मूला वीवीए एक्सेल का नहीं है एक्सेल में ऐसा फॉर्मूला है फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें बता दूंगा कि कौन कौन फॉर्म वीवीए के अलग से फॉर्मूले हैं अच्छा तो हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एम एन इज इक्वल टू मंथ नेम डिफाइन किया था अब ये तो एक फंक्शन था हमें नहीं पता था आपको पता था लेकिन एज अ फ्रेशर बंदे के तौर पे हम विदाउट फंक्शन यूज किए हुए किसी वेरिएबल के थ्रू ये बना सकते हैं हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने इसको नहीं किया तो फिर आप चूज का फॉर्मूला एक्सेल में चलते बताया ना आपको कि पहले आप एक्सेल में सोचिए एक्सेल में कैसे मंथ नेम लेके आएंगे क्योंकि एक्सेल पे तो मंथ नेम फॉर्मूला नहीं है ना तो यहाँ पे आप चूज फॉर्मूला लगाएंगे या स्विच फॉर्मूला लगाएंगे बताएगा ना सर जैसे आप एक्सेल पे करेंगे वैसे आप यहाँ पे कीजिए इसलिए तो मैंने बताया कि फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है तो दो चीजों पे प्रैक्टिस कीजिए लूप पे और आप अपने एक्सेल फंक्शन को अप्लाई करिए हाँ दिक्कत हो कल पूछिए अच्छा हाँ